हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो है सैटरडे नाइट रूटीन। तो मैं हर सैटरडे को मैं करती हूं केमिकल पील घर में, मतलब वीक में एक बार और महीने में चार बार मेरा केमिकल पील हो जाता है। मैं जो हूँ यहाँ पर 15% केमिकल पील यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्किन पर इशू नहीं है, इसलिए 15% केमिकल पील मेरे लिए इनफ होता है। पहले मैं ग्लाइकोलिक केमिकल पील करती थी घर में, लेकिन जब से मैंने लैक्टिक एसिड केमिकल पील करना स्टार्ट किया है तो इसके रिज़ल्ट इतने बेहतरीन, मतलब इसके नतज मुझे मिले हैं, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं कि मुझे ग्लाइकोलिक एसिड पील से ज़्यादा लैक्टिक एसिड पील से मोहब्बत हो गई, और मैं इसको हफ्ते में एक बार लाजमी करती हूँ। और मैं इससे यूज्ड टू हूँ, जो लोग न्यू हैं वो महीने में एक बार करेंगे। मैं भी और प्रोसीजर आगे बताती हूँ कि क्या क्या करना है। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग केमिकल पील के बारे में नहीं जानते हैं, तो केमिकल पील क्या होता है। देखिए, केमिकल पील जो है आपकी स्किन के ऊपर हम एक टेक्स्चर होता है बनाते हैं, सिरम उसको अप्लाई करते हैं, और फिर वो जो है आपकी फाइननेस को ख़त्म करता है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपके पोर्स हैं अगर ओपन पोर्स नसान खुले खुले उन्हें मिनिमाइज करता है, उसके अलावा आपके अगर स्कार्स हैं उनको ये ख़त्म करता है, आपके जो टेक्स्चर है उसको बिल्कुल स्मूथ करता है। अगर बम्पी स्किन है, स्किन का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको ये विन करता है, स्मूथ करता है। अगर आपकी स्किन सन डैमेज हो चुका है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसको भी ये रिपेयर करता है। उसके अलावा एक्नी को ट्रीट करता है, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, बहुत सारी चीज़ों पर ये वर्क करता है। बहुत ही इसके अलावा आपकी स्किन को लाइटनिंग, वाइटनिंग, ग्लोइंग, ब्राइटनिंग ये तो डेफिनेटली देता है। और लैक्टिक एसिड पील से तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लाइकोलिक से अगर हम इसको कंपैरिजन करें ना, तो मुझे लैक्टिक एसिड का रिजल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं लैक्टिक एसिड की फ़ैन हूँ केमिकल पील के लिए। और वैसे भी मैं सिरम यूज़ करती हूँ, हफ्ते में एक दिन मैं सिरम यूज़ करती हूँ और एक दिन मैं इसकी केमिकल पील करती हूँ लैक्टिक एसिड के साथ। यहाँ मैं बनाना भी सिखाऊंगी, लगाना भी आपको बताऊंगी। अगर यही केमिकल पील अगर डॉक्टर के पास जाकर करवाते हैं तो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसीलिए बैठी हूँ कि आप लोगों के पैसे बचा सकूँ डरमेट के, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकूँ। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूँ, जिनको बहुत ज़्यादा इशू है अपने स्किन के ऊपर, तो उनका 15% से काम नहीं चलेगा, उनको 30-35 या 40-45 केमिकल पील करना होता है। लेकिन उसके लिए पहले अपने स्किन को आपने यूज़ टू कराना होता है, या अगर बहुत ज़्यादा इशू है तो फिर आप डर्मेट के पास जाकर ही केमिकल पील का प्रोसीजर ले सकते हैं। या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डर्मा ब्रेजिंग है, माइक्रो डर्मा ब्रेजिंग, और बहुत सारी जिस तरह से स्टडी होती जा रही है, जिस तरह से सदी नहीं आती जा रही है, उस तरह से जो है नई नई चीज़ें भी दरियाफ्त होती जा रही हैं, तो वो अब कोई इशू नहीं रहा। पहले से लोगों के चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो बेचारे रहती ही थी, कोई ऐसा हल नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए स्किन के हवाले से। स्कार्स, कुछ लोगों को चेचक हो जाती थी, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे और ऐसी पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती थी, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, उनके सेशंस लेने पड़ते हैं आपको, और जाकर आपकी जो स्किन है वो बिल्ली स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल एक जो टेक्सचर उसका होता है वो एक ही हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, लगता ही नहीं कि आपकी स्किन के ऊपर कभी स्कार्स थे या चेचक के जो दाग होते वो थे। तो इस तरह से चेचक के दाग में इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोगों को स्कार्स नहीं समझ में आता, तो स्कार्स में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे भी होते हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के भी होते हैं। जो चेचक मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए कि इतने गहरे वाले हैं, तो उनका भी अब इलाज आ गया है, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ का अब सोल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे जो है मैं 15% यूज़ करती हूँ, वो इसलिए कि मुझे कोई इतना इशू नहीं है, मुझे सिर्फ अपने स्किन के ऊपर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, और जी हाँ टाइटनिंग भी ये बहुत अच्छे से करता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को ख़त्म करता है, और डार्क स्पॉट्स अगर हैं तो उनको भी ख़त्म करता है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, और अगर स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जैसा कि मैंने बताया आपको उसकी ज़्यादा परसेंटेज यूज़ करनी पड़ती है। तो खैर बातें ज़्यादा नहीं करते, एक प्रॉपर वीडियो मैं उसके ऊपर बना चुकी हूँ, ग्लाइकोलिक केमिकल पील भी मैं करना सिखा चुकी हूँ, और करके मैंने बताया था और दिखाया भी था, और लैक्टिक एसिड का भी मैंने दिखाया था कि बनाना कैसे, लगाना कैसे। आज भी सैटरडे नाइट है, तो जैसे कि मैंने बताया वीक में मैं एक बार लाजमी केमिकल पील करती हूँ, तो फिर मैं ये कैसे आप लोग से छुपा सकती थी या मिस कर सकती थी, क्योंकि शुरू से अब तक हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप ही हमें बता दें हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं सोच रही हूँ कि कैसी वीडियो बनाऊँ, अपनी सारी पुरानी पिक्चर्स यहाँ लगाऊँ, और फिर मैं दिखाऊँ कि कितना, बल्कि यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा कितना डिफरेंस है। ये मैं ही हूँ, जी हाँ, और अभी मेरी स्किन देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है, और अभी मैं दोबारा से फेस वॉश भी करूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि बताऊँगी कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है। तो अभी बिल्कुल क्लीन है,
दोबारा फेस वॉश करूंगी और ये बताऊंगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, मैंने क्या चीज़ सबसे पहले स्टार्ट की थी अपने स्किन में, जो मुझे रिजल्ट मिलने लगे थे तो मैं बड़ी खुश हुई थी। और फिर मुझे ये हुआ था कि नहीं जी, मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर जो है पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं भी पहले बहुत मेकअप करती थी, कुछ मेकअप वाली वीडियोस, चलो छोड़ो मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी उसको, मेकअप आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो, फुल ऑफ मेकअप मैं लदी पदी हूँ, खूब फाउंडेशन लगाई हुई है अंदर से छुपाने के लिए, ऑरेंज वाली लगाई हुई है, तो क्योंकि मैंने स्टीरॉयड भी यूज़ किया है, मैंने हाइड्रोक्विनोन भी यूज़ किया है, पता ही नहीं था, जो बताते थे यूट्यूबर्स वो यूज़ कर लिया करती थी, तो बड़ा लूटा है मुझे ऐसे यूट्यूबर्स ने, बड़ा मेरा पैसा खर्च कर रहा है, फिर जब उनसे कुछ बात करो तो रिप्लाई भी नहीं करते थे। खैर, ये कहानी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म अपना बनाया कि मैं उन लोगों को गुमराह होने से बचाऊँ जो बेचारे कुछ पैसे जमा करके और चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँगी जहाँ पर मैं हर वो चीज़ दिखाऊँगी जिसमें वो पैसा खर्च करें तो उनको रिजल्ट 110% मिले, उनको दुख ना हो कि हमारा पैसा वेस्ट कर गया, और साथ ही साथ स्किन भी उनकी ख़राब ना हो। तो ये जब ही हो सकता है जब आप ऑनेस्ट रहो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, जो आप खुद यूज़ करते हो वही अगर आप शेयर करोगे तो यही है ऑनेस्टी है आपकी। और मैं शुरू से अब तक वही चीज़ें शेयर करती आई हूँ अपने चैनल पर जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था, सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने क्या परचेज़ किया था जिसके मुझे ऑसम रिजल्ट मिले थे, और फिर उसके बाद मेरा माइंड बना, एक माइंड सेट हो गया मेरा कि नहीं मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। और फिर ये तस्वीर आप देखें, और अब ये देखें, जब से मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्किन केयर अच्छी की, तो ये मदिया वो थी जब मेकअप किया करती थी, और ये मदिया आपके सामने है जो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती है। जी हाँ, तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियोस की नस्बत ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाते। हमें यहाँ बनाना है 15% लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमें पील करना है, ये हम पूरी रात लगा के नहीं छोड़ सकते हैं इसको, हमें मैं बताती हूँ टाइमिंग कितना लगाना है। तो मैंने सिरम भी बनाना सिखाया जो कि 10% है लैक्टिक एसिड का, ऑसम रिजल्ट है उसके, आप लगाइए, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिनके हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स हैं उनको महीना दो महीने में इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आएगा। उसके अलावा इसके लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ग्लोई, टाइटनिंग सब कुछ मिलने वाला है, एंटी एजिंग पे भी वर्क करती है, पोर्स को मिनिमाइज करती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। एक बोल मैंने ले लिया है, प्लास्टिक का बोल लेना है, कोई स्टील का कोई और चीज़ नहीं, सिंपल प्लास्टिक का बोल ले लीजिए आप, ठीक है। और ये है प्योर लैक्टिक एसिड जो कि ग्लोगैनिक का है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, दराज से इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। दो ग्लोगैनिक है, मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, एक ग्लोगैनिक है उनके रेडीमेड स्क्रब मसाज मास्क ये सब कुछ आते हैं, वो ग्लोगैनिक नहीं, ये ग्लोगैनिक, इनके सिर्फ इस तरह के सीरम्स आपको मिलते हैं, अभी रेडीमेड सीरम्स भी अपने सेल आउट करते हैं, पहले इनके इसी तरह के सीरम्स आते थे कि आप लो और ख़ुद से बनाओ, लेकिन अब अच्छी बात है कि ये खुद से भी उसको रेडीमेड करके सेल आउट कर रहे हैं। तो ये 80% लिखा भी है इसमें लैक्टिक एसिड, स्किन 80% पील, एंटी रिंकल्स, स्किन लाइटनिंग, क्लियर एक्नी एंड स्कार्स, तो जैसा कि मैंने बताया आपको ये सब चीज़ों पर वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्पूंस लिए हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्पून जो है मेरे पास ये है, और उसके अंदर लिखा है 15 ml, जबकि मुझे यहाँ चाहिए 30 ml वाटर। तो मेरे पास कोई ऐसी मेजरमेंट चीज़ नहीं है, थी वो मैंने कहीं रख दी, मुझे नहीं मिला, मजे की बताऊँ वो क्या थी, वो इस्त्री होती है ना, स्टीम इस्त्री, स्टीमर वाली आयरन, उसके अंदर जो एक मेजरमेंट देते हो पानी फिल करने के लिए, तो वो मैंने रखा, तो मैंने रखकर पता नहीं कहाँ भूल गई हूँ। खैर छोड़ो, अभी ये है 30 ml, तो हम क्या करेंगे, 15 15 30, मतलब कि दो दफ़ा हम इसको फुल ऑफ वाटर ले लेंगे। वाटर कौन सा लेना है, आपने लेना है डिस्टिल वाटर। अब सब परेशान हो जाएंगे, डिस्टिल वाटर कहाँ से लेकर आएंगे, अभी तो परेशान होने वाली बात नहीं है, रोज़ वाटर ये यूज़ करती हूँ मैं भी, तो रोज़ वाटर किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, ये कर्शी का है, मरहबा का, लेकिन ये वाला लेना है, ये प्योर होता है, इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं होते हैं, जो दूसरे आते हैं रेडीमेड बने हुए स्प्रे बॉटल में उनके अंदर केमिकल होते हैं, तो हमें ये बिल्कुल ऐसा लेना है, ठीक है। अरे मैं फेस वॉश तो करना ही भूल गई आपके सामने, चलो मैं पहले फेस वॉश करके आपको दिखा दूँ। तो फेस वॉश का हमें क्या करना है, फेस वॉश हमने बहुत माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना है, कोई हार्श फेस वॉश जैसा कि मैं यूज़ करी हूँ एक्लीज वाले, क्लिंजर या और बहुत सारे, क्योंकि उनके अंदर भी सैलिसिलिक होता है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको लाइटनिंग वाइटनिंग ब्राइटनिंग देते हैं, तो इस तरह का कोई आपने यूज़ नहीं करना है, बहुत माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करना है। मैं यहाँ पर कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ YSC का, ये है बहुत माइल्ड है काओ फेस वॉश, ठीक है। ये मेरी जो बच्चियाँ हैं वो यूज़ करती हैं और ये बहुत अच्छे से उनको सूट करता है, तो ये देख सकते हैं। अरे नज़र क्यों नहीं आ रहा,
तो उसके अंदर एएचए बीएचएस वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है, नियासिनामाइड्स पे हैं, लेकिन उसमें कोई डरने वाली बात नहीं क्योंकि क्वांटिटी इतनी इसमें होती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, फेस वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश करने के लिए वही मेरा मिस्ट, मैं ये देखिए अभी मैं फेस वॉश कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, माइल्ड होना चाहिए लेकिन, वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग केमिकल पील कर रहे हैं तो फेस हमारा बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 मिनट तक आपने करना है अच्छे से फेस को क्लीन। ठीक है, चलिए मैं इसको वॉश 1 मिनट तक करके फिर मैं इसको वॉश करके आपको मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पूरा फेस अच्छे से वॉश करके आ चुकी हूँ और मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे फेस को बहुत अच्छे से ड्राई करना है, वही बात क्या पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फेस पर पानी होता है तो जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो और ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाती है, क्योंकि पानी जब एब्जॉर्ब होता है स्किन के अंदर तो जो चीज़ हम ऊपर से अप्लाई करते हैं वो भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एएचए बीएचएस हमें बिल्कुल ड्राई फेस पर लगाने होते हैं, रेटिनॉइड्स भी। ठीक है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड है या विटामिन सी है, ये आप गीले फेस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे अच्छे से ड्राई करना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ से गीला हो रहा है तो वो ज़रा सा पानी भी नुकसान कर देगा आपको। चलो जब तक ये ड्राई होता है हम यहाँ बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 30 ml हमें चाहिए, 15 ml का ये है, तो मैं इसको 2 दफ़ा भर लूँगी, आपके सामने ही बनाऊंगी, देखिएगा। और इस तरह से मैंने इसको कर लिया है फिल, ये डाल दिया 1 स्पून और ये मैंने ले लिया 1 मिनट, गिर ना जाना, पता चले गिर गया सारा। बिस्मिल्लाह, ये हो गया दूसरा, मतलब ये हो गया हमारा 30 ml। ठीक, ये कर देते हैं बंद। 30 ml वाटर हो गया हमारा रोज़ वाटर। अब हमने इसमें लेना है 30 ml हमारा हो गया वाटर, ये देख सकते हैं आप रोज़ वाटर। अब हमें इसमें लेना है 15 ml, 30 ml वाटर, 15 ml लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे मैं 15 ml इसमें डाल लूँगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं 15 ml, मतलब कि ये फुल हो जाएगा, ये देखिए पूरा फुल। वेट यार, मैं कैसे हर चीज़ दिखानी पड़ती है ना, ये देखिए ये मैंने रोज़ वाटर में डाल दिया। ठीक, वेट मैं ज़रा रख दूँ सामान सारा, वरना कहीं ये ना गिर जाए। वैसे अगर आप लगाओगे ना स्किन के ऊपर डल, अगर गिर भी जाएगा तो ये फिर आपकी स्किन को बर्न कर देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उन्हें मालूम नहीं होता, वो इस तरह से 85-80% लगाते हैं डायरेक्टली, 85% डायरेक्टली फेस पर लगा लेते हैं तो वो स्किन उनकी बर्न हो जाती है। ये देखिए, ये मैं ज़रा इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँ। ये मेरा 15% लैक्टिक एसिड तैयार हो गया है जो कि पीलिंग के काम आएगा, इसको सिरम के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिक्स कर रही हूँ मैं, ये हो गया बहुत अच्छे से मिक्स। अब मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा टाइमर। ओके, मैं न्यूट्रलाइजर भी तैयार कर लूँ, कॉटन हम यूज़ करेंगे इसके लिए। अच्छा, इसको स्टॉप करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई नहीं करेंगे फेस पर इसकी टाइमिंग पूरी होने के बाद, तो फिर इसका जो काम करने का है तरीका या काम करता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। तो उसके लिए हमें न्यूट्रलाइजर फेस पर अप्लाई करना पड़ता है, और मैं जो उसको 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करती हूँ फेस पर। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 मिनट से स्टार्ट करेंगे, आप फेस पर अप्लाई करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ चले आपको साथ साथ करती भी जाऊँ। न्यूट्रलाइजर बनाने के लिए हमें एक अलग से बोल चाहिए और उसके अंदर हमें चाहिए 1 कप वाटर। 1 कप ले लिया हमने पानी और उसके अंदर हमने डालना है बेकिंग सोडा पूरा 1 चम्मच भर के, ये वाला।
ये देखें, एक चम्मच भर के हम एक कप पानी में बेकिंग सोडा डाल देंगे और उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये तैयार हो गया हमारा न्यूट्रलाइज़र। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रलाइज़र हमें लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा काम करना बंद करे। अगर हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई नहीं करेंगे तो लैक्टिक एसिड अपना काम करता रहेगा, चाहे आप कितने दफ़ा भी जो है फेस को वॉश कर लें, वो अपना काम करता रहेगा, मतलब बर्निंग टिगलिंग होती रहेगी, तो फिर वो नुकसानदेह हो जाएगा। इसके काम को स्टॉप करने के लिए न्यूट्रलाइज़र हमें लाजमी अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए मैंने आपको न्यूट्रलाइज़र भी बनाना सिखा दिया यहाँ पर। अब इसको कर देते हैं बर्न और अपना करते हैं टाइमिंग सेट। ये देखिए मैंने टाइम सेट कर लिया है ये। अब आप कह रहे हो तो 5 मिनट है, तो जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैं इतनी यूज्ड टू हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा फूक फूक के कदम रखती हूँ। मुझे कभी ये नहीं होता कि जल्दी से बस लगा लूँ गोरी चिट्टी, और ये जैसे लोगों को होता है कि 2 दिन में गोरा चिट्टा हो जाना, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को आप स्लो स्लो किया करें। मैं इतने सालों से पीलिंग कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा 10 मिनट्स लगाती हूँ, लेकिन पहले मैं 5 मिनट ही लगाती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता स्किन किस तरह से कब बिहेव कर जाए। तो यहाँ पे पहले मैं 5 मिनट लगाती हूँ, 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से 5 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ। इस तरह से मेरे हो जाते हैं 10 मिनट्स। बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ में जल्दबाजी मत किया करें। मैं इतनी यूज टू हूँ ट्रेटिनॉइन की भी, लेकिन मैं उसको वीक में 2 बार ही लगाती हूँ। यहाँ पर लोग सुनते हैं और पूरा पूरा वीक लगाते हैं, स्किन जल जाती है, फिर अगर कमेंट कर रहे होते हैं स्किन जल गई, स्किन फलाना हो गई, ढिमाका हो गई, तो मैं फिर ऐसे लोगों को ना रिप्लाई भी नहीं करती हूँ कि जिनको बताया कि आप वीडियो देखें फिर यूज़ कीजिए। पता नहीं वो क्या समझते हैं, गोल्डन पर्ल चांदी समझ के लगा रहे होते हैं, जबकि बता दिया गया है कि ट्रेटिनॉइन जो है वो जितनी कम आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। और मैं फिर वही बात कि मैं 4 साल से उसको यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं वीक में 2 बार ही उसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जब मुझे एक्टिव एक्ने होते हैं अगर किसी वजह से, तो फिर मैं उसको वीक में 3 बार कर लेती हूँ। लेकिन एक्टिव एक्ने मुझे नहीं होते हैं, तो मेरा जो रेगुलर चल रहा होता है वो मेरा हफ्ते में 2 बार ही चलता है। यहाँ मैंने टाइमर सेट कर लिया है 5 मिनट का। पहले मैं अप्लाई करूँगी सारा, पहले मैं इसको अप्लाई करूँगी फेस पर, उसके बाद फिर मैं टाइमर जो है स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा और अच्छे से हम ऐसे हिला लेंगे, और ये देखिए लगाते के साथ ही हल्की हल्की टिंगलिंग और बर्निंग स्टार्ट हो गई है। देख लिया कि मैं कितनी यूज टू हूँ, उसके बावजूद मुझे टिंगलिंग और बर्निंग हो रही है। तो ये पीलिंग है, जाहिर है पीलिंग है, तो ये आपकी स्किन को पील करती हूँ। लैक्टिक एसिड से मेरी स्किन पील होती है, बहुत ज़्यादा पील होती है, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए होती है। मैं अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती हूँ तो फिर वो सेट हो जाती है। अब यहाँ मैंने लगा लिया है, ठीक। अब मुझे इसको स्टार्ट नहीं किया, देखा बातों में मैं भूल गई, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, 5 मिनट में लगाऊंगी। 5 मिनट बाद फिर मेरी स्किन अगर बर्दाश्त कर सकती है तो फिर मैं इसको 5 मिनट और लगाऊंगी। तो 5 मिनट तक वेट करती हूँ मैं, और बर्निंग होती है इससे, कोई घबराने वाली बात नहीं कि अरे बर्निंग हो जा रही बात है। आप केमिकल पील कर रहे हो, जब आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको ये ख़त्म करती है आपकी स्किन पे। अब ये देखेगा जब पीलिंग कर लूँगी, उसके बाद आप मेरी स्किन देखेगा एकदम लाइटिंग और ब्राइटनिंग आपको नजर आएगी। उसके अलावा टाइटनिंग स्मूथ कर देती है, पोर्स मिनिमाइज कर देती है, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। और ये देखें इतनी मुझे बर्निंग हो रही है कि मेरे आंसू भी आ रहे हैं। तो 5 मिनट वेट करने के बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं ये दिखाऊँ आपको, अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, और यहाँ इस एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही होती है ना इसको, वहाँ ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा होता है, तो फिर वहाँ की आपकी स्किन पील हो जाती है, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी उसको रिमूव करना होता है, तो ये सब कुछ उसको रिमूव कर देती है। तो बर्निंग हो रही है मुझे यहाँ इस एरिया में ज़्यादा हो रही है, और चीक्स पर जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ ज़्यादा हो रही है। और इसको वॉश करने के बाद आपकी स्किन रेड भी हो सकती है एकदम, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। जाहिर है बात है, आप एक केमिकल पील कर रहे हो, तो न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आप वॉश जब करोगे तो आपकी स्किन रेड भी नज़र आ सकती है आपको, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे तो एकदम काम डाउन हो जाती है। अगर एक दिन भी रहे ऐसी रेडनेस तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपके सामने लगा के बैठी हुई हूँ, और टाइमिंग देखते हैं कितनी हो गई है। 2 मिनट रह गए, ये देखिए आपके सामने ही है।
और ज़्यादा रेडनेस हो तो आप कैलामाइन लोशन भर भर कर मुस्तकिल लगाते रहें तो वो रेडनेस ख़त्म हो जाती है और बर्निंग ईचिंग भी। और जब मैंने जैसा कि बताया आपको, फिर से रिपीट कर दूँ, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग यूज टू नहीं हैं, वो जो हैं 1 मिनट लगाएंगे सबसे पहले अगर स्टार्ट करें। अगर 1 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो वो 2 मिनट कर लेंगे। इस तरह से हल्की हल्की टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे, यूज़ टू करेंगे। और मैं कहूँगी केमिकल पील ना ही स्टार्ट करें आप सबसे पहले लैक्टिक एसिड का सीरम लगाना स्टार्ट करें, ताकि आप पहले यूज टू हो। जब आपको लैक्टिक एसिड की आदत हो जाएगी तो फिर आप उसका केमिकल पील ईजीली टॉलरेट कर पाओगे। ठीक है, 2:03, 2:02, 2:01, अभी 2 मिनट पूरे बाकी हैं। अब 1:57 टाइमिंग चल रही है, तो चले देखते हैं इसके बाद मैं बढ़ाऊँगी। जैसा कि मैंने बताया, मैं हमेशा 10 मिनट के लिए ही करती हूँ, लेकिन आदत मेरी ये है कि पहले 5 मिनट लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं 5 मिनट और जो है, क्योंकि देखिए पता नहीं होता स्किन किस तरह से कभी बिहेव कर रही होती है, कभी ज़्यादा पील कर रही होती है, विंटर है, पता नहीं स्किन बर्दाश्त कर पाए ना कर पाए, तो इसलिए हमेशा हर चीज़ का जो स्टेप उठाते हो वो कम उसमें उठाया करो। ठीक है ना, एक तो ये बंद हो जाता है, 1:26, तो अभी स्किन मेरी जो नॉर्मली मेरा बिहेव करती है, मेरी स्किन लैक्टिक केमिकल पील के साथ, लैक्टिक एसिड पील के साथ वैसे ही कर रही है, तो इसलिए मैं 5 मिनट यहाँ पर और बढ़ाऊंगी। तो अभी देखें, नाक जो है ना बहुत ज्यादा मेरी हो रही है बर्निंग, नाक अब पूरे फेस पर इतनी नहीं हो रही जितनी मुझे नोज पर हो रही है। अब देखें सेकंड्स रह गए यहाँ, 56, 55, 54, 53, 52, 51, ये सेकंड्स रह गए, सेकंड्स चलेंगे तो फिर मैं उसको 5 मिनट का टाइमर और सेट करूँगी, क्योंकि फिर मेरा टोटल हो जाएगा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे न्यूट्रलाइजर हम फेस पर अप्लाई करते हैं ना, एकदम से जो है ना सिजलिंग की आवाज़ आती है, जैसे कि गर्म तवे पे हम पानी डालते हैं ना सिज करके जो आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ का मतलब होता है बर्निंग एकदम बहुत ज़्यादा आपको होती है, तो वो स्टॉप कर देता है, वो इसका काम करने जो इलेक्ट्रिक एसिड पील कर रहा होता है ना उसको ही स्टॉप कर देता है उसके वर्क को। तो इसलिए न्यूट्रलाइजर लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रलाइजर नहीं लगाओगे, फेस वॉश करते रहोगे, तो वो अपना काम करना बंद नहीं करेगा। तो इसलिए पहले बना के रख लें दोनों चीज़ें, न्यूट्रलाइजर भी, ताकि आप फ़ौरन से टाइम ख़त्म होते ही अपना न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर लो फेस पर। ये देखिए ये बजने लगेगा अभी, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। अब यहाँ मैं इसको दोबारा से रिसेट करूँगी, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो है इसके ऊपर एक एप्लीकेशन और करूँगी, एक एप्लीकेशन इस पर मैं, मतलब कि री एप्लीकेशन करूँगी। ये देख सकते, नाक पे नहीं लगाऊंगी, नाक पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, बाकी जिस जगह नहीं हो रही उस जगह मैं री एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी बर्निंग मुझे हो रही है, जबकि मैं यूज्ड हूँ उसके बावजूद आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे फिर 5 मिनट वेट करना है, तो अभी मैं बातें नहीं करूँगी, मैं 5 मिनट वेट करने के बाद आपको मिलूंगी। तो यहाँ मुझे 5 मिनट और कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी न्यूट्रलाइजर, आप देख सकते हैं और आवाज़ सुनिएगा। ओ हो, देखिए, और इसको लगाना है 1 मिनट तक, तो मैं इसका टाइमर ऑन कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है इसको लगाने के बाद, क्योंकि अपना इसका काम करना जो है वर्क करना बंद कर देता है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, 1 मिनट रखना, उसके बाद फिर आपने सादे पानी से मुंह धोना है। ठीक है, मेरे यहाँ पर भी कुछ चला गया, टाइमिंग हो गई क्या, देखिए 19, 18, 17, 16, तो ये इसने स्टॉप कर दिया है काम करना, मैंने कहाँ रख दिया वो, ये देखिए
ये स्टॉप हो गया, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं फेस वॉश कर आ गई हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा बर्निंग थी रेडनेस नज़र आ रही होगी आपका, और बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है मुझे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है ये। और इसलिए बता रही बार बार कि डर ना जाए आप लोग। वैसे तो मैं फिर यही कहूँगी कि जो लोग यूज़ टू हैं लैक्टिक एसिड से, वो ही करें केमिकल पील, जो डायरेक्टली करना चाहते हैं वो प्लीज़ ना करें, ठीक है। तो अब आप ख़ुद देख लीजिए कि मैं कब से करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी देखें मुझे, ये देखिए रेडनेस नज़र आ रही है, ये सारा मेरा रेड हो गया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये काम करने का तरीका है इसका। अब हम लगा लेंगे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा सा, खूब अच्छी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए कितना कितना सारा मैं लगा रही हूँ, ताकि हमारी स्किन काम डाउन हो जाए। ये देखिए अब मेरी स्किन 2-3 दिन तक पील रहोगी बहुत अच्छे से, जो भी इसके डार्क्स वो थे, जहाँ जहाँ से इसको रिमूव करने थे स्किन, वहाँ से पील होगी अच्छे से, ठीक। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी क्वांटिटी में लगाया है मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ये देखिए बहुत सुकून मिलता है एकदम मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। मेरा ये एरिया बहुत ज़्यादा रेड हो गया, ये नोज़ और ये देखिए, तो यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि मैंने मंडे से लेकर अब तक की सैटरडे नाइट है आज, यहाँ तक की रूटीन शेयर कर दी है। अब रह गया कल संडे, तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पूरा वीकली स्किन केयर रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और पूरी जिन्होंने नहीं देखी वो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।